नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत बंद को बिहार में सफल बनाते हुए दिखी महागठबंधन। लंबे समय के बाद पटना हाईकोर्ट में हुई फिजिकल सुनवाई। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए सरकार करेगी पहल। पहले चरण की मतगणना में नए मुखिया को लोगों ने दिया मौका। पंचायती राज मंत्री के रिश्तेदार ने जीता जिला परिषद का चुनाव। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। भारत बंद को बिहार में सफल बनाते हुए दिखी महागठबंधन। किसान आंदोलन के समर्थन में संपूर्ण देश में आज बंदी की गई है। इस बंदी को सफल बनाने के लिए बिहार में महागठबंधन ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी राजद का भी अनोखा रूप देखने को मिला। बिहार के अलग अलग हिस्सों से दिन भर विरोध की अलग अलग तस्वीरें सामने आई। हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 22 को कई राजद कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया और सड़क पर ही लेटे नजर आए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। तो वहीं महुआ से राजद विधायक के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी सेतु, मुजफ्फरपुर छपरा समस्तीपुर महुआ आने जाने वाली सड़क को जाम कर दिया। इस दौरान विधायक सिर पर केला की टोकरी लेकर बिहार सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी करते दिखे और महंगाई के खिलाफ भी सरकार को घेरा। पटना में नवरात्र को लेकर गाइडलाइंस हुई जारी। बिहार सरकार ने आगामी पूजा त्योहारों को लेकर गाइडलाइंस जारी करने का जिम्मा सभी जिलों के जिला प्रशासन को सौंपा है। इस बाबत पटना जिला प्रशासन ने आगामी दुर्गा पूजा को लेकर नियम कानून तय कर दिए हैं। नए नियम के मुताबिक त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार के मेले, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रावण वध, जुलूस आदि के आयोजन के पहले प्रशासन से पहले ही अनुमति लेनी होगी। स्वीकृति मिलने के बाद ही यहां जांचा जाएगा कि आयोजन से जुड़े लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ली है या फिर नहीं। वहीं पंडाल में आने जाने वाले लोगों को भी टीकाकरण का प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। साथ ही पूजा पंडालों, मेलों के स्थल पर कोविड जांच व टीकाकरण के लिए विशेष कैंप की व्यवस्था की जाएगी। ये आदेश 15 नवंबर तक जारी रहेंगे। पंचायती राज मंत्री के रिश्तेदार ने जीता जिला परिषद का चुनाव। पहले चरण की मतगणना के परिणाम में कई ऐसे प्रत्याशियों के जीतने की खबर सामने आई है जिनके रिश्ते नाते सरकार के मंत्री विधायक से जुड़े हैं। खास बात यह है कि राज्य के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के रिश्तेदारों ने भी पंचायत चुनाव लड़ा था, जिनमें किसी को जीत तो किसी को हार मिली है। तारापुर प्रखंड के मानिकपुर पंचायत से पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी की भाभी मीना देवी ने मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ा था, जिसमें वे हार गई हैं। जबकि रिश्ते में मंत्री की बहू लगने वाली बिंदिया रानी ने क्षेत्र संख्या 11 तारापुर जिला परिषद सदस्य के रूप में जीत हासिल की है। वे 900 मतों से विजयी हुई है। अब आइए जानते हैं बिहार के मौसम का हाल। बिहार में फिलहाल उमस भरी गर्मी लोगों को तंग कर रही है। पिछले दो दिनों से उमस भरी गर्मी के कारण राजधानी पटना सहित अन्य जिलों में लोग हलकान रहे। वहीं ज्यादातर शहरों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री तक अधिक रहा है। धूप की तपिश बढ़ने से पांव पैदल चलना लोगों का मुश्किल हुआ है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 48 घंटों तक उमस भरी गर्मी का आलम यूं ही रहेगा। साथ ही यह भी बताया गया कि बंगाल की खाड़ी में उठे गुलाब चक्रवात का असर बिहार के मौसम पर नहीं पड़ेगा। हालांकि स्थानीय कारकों की वजह से बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। लंबे समय के बाद पटना हाईकोर्ट में हुई फिजिकल सुनवाई। कोरोना की दूसरी लहर के थमने के बाद आज से पटना हाईकोर्ट में आमने सामने की सुनवाई शुरू हो गई है। इस दौरान कई नियमों के तहत फिजिकल सुनवाई की प्रक्रिया को शुरू किया गया। पटना हाईकोर्ट ने पहले ही SOP जारी कर दिया था, जिसके मुताबिक हाईकोर्ट परिसर और कोर्ट रूम में प्रवेश करने के लिए नए को नियम बनाए गए हैं। गेट संख्या 1 से केवल जजों के आने जाने की व्यवस्था है, तो वहीं गेट संख्या 3 से वकील, उनके मुंशी व अन्य हाईकोर्ट कर्मी ही आ सकेंगे। वहीं गेट संख्या 4 से अन्य लोग कोर्ट में प्रवेश पा सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि थर्मल स्कैनिंग के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही साथ कोर्ट रूम में प्रवेश उन्हीं को मिल सकेगी जिन्हें हाईकोर्ट की तरफ से ई पास जारी किया जाएगा। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए सरकार करेगी पहल। बिहार में एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में नहीं है, लेकिन अब राज्य के लोग भी इसके लिए मांग उठाने लगे हैं। इस बाबत बीते दिन बिहार फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम के संबोधन के बाद से ऐसा लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को खोलने को लेकर सरकार भी पहल करने की सोच रही है। दरअसल बीते दिन बिहार फाउंडेशन की तरफ से आयोजित वर्चुअल बैठक में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से खास तौर पर पहल की जाएगी। इस दौरान उन्होंने बिहार फाउंडेशन के काम की भी काफी सराहना की कि जिसके माध्यम से प्रवासी बिहारियों का आभार भी व्यक्त किया।
पहले चरण की मतगणना में नए मुखिया को लोगों ने दिया मौका। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद मतगणना की प्रक्रिया कल से ही शुरू है और आज भी वोटों की गिनती जारी है। वहीं कल हुए मतगणना के मुताबिक जो रिजल्ट आए हैं उसने कई पुराने मुखिया जी की नींद उड़ा दी है, क्योंकि इस बार कई पंचायतों में नए नए चेहरों को लोगों ने गाँव की सरकार चलाने का मौका दिया है। ऐसा ही एक नजारा कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड से देखने को मिला, जहाँ 14 पंचायतों में से 13 में से नए मुखिया को लोगों ने चुना और निवर्तमान मुखिया को हार मिली। जानकारी के मुताबिक लोग पुराने मुखिया के कामकाज से खुश नहीं थे। वहीं जमुई में एक महिला प्रत्याशी बीते दिन काउंटिंग के दौरान हारने की खबर सुनते ही बेहोश हो गई, जिसे बाद में अस्पताल ले जाया गया। रामायण पर बयान देने के बाद अब मांझी ने दी सफाई। पिछले दिनों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने रामायण पर बयान देकर बवाल खड़ा कर दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ कई राजनेता उतर आए थे। वहीं अब जीतन राम मांझी ने सफाई देने की कोशिश की है। बीते दिन छपरा के मढौरा में एक निजी कार्यक्रम में वे शामिल होने गए थे, जहां पत्रकारों से हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि हमने राम का विरोध कहां किया, हमने तो यह कहा कि हम राम को नहीं मानते हैं, हम तो बस प्रकृति को मानते हैं, भगवान है इसमें कोई शक नहीं है। रामायण में बहुत अच्छी बातें कही गई है जिसका हम सभी को अनुसरण करना चाहिए। मध्य प्रदेश में रामायण पढ़ाने की बात कही गई है, बिहार में भी अगर रामायण पढ़ाई जाए तो मैं इस निर्णय का स्वागत करूंगा। बिहार में 4 जिलों से नए कोरोना संक्रमितों की हुई पुष्टि। बिहार में गिने चुने कोरोना के मामले अब पाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार में 7 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इसके तहत गोपालगंज से सबसे अधिक 3 मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि मधेपुरा से 2 और कटिहार व पटना से 1-1 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 4 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 67 हो गई है। वहीं अब रिकवरी दर 98.65% पर पहुंच गया है। कन्हैया कुमार के कांग्रेस ज्वाइन करने की संभावना पर नीतीश कुमार ने दिया बयान। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। इसे लेकर बिहार के सियासी महकमे में भी अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं, तो वहीं अब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का भी बयान सामने आया है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम ने कन्हैया कुमार को सीपीआई का लड़का बताया। उन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार सीपीआई के लड़के हैं, वो कहां जा रहे हैं इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। कोई नेता अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहा है, राजनीति में सबकी अपनी इच्छा होती है। आपको बताते चलें कि मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक 28 सितंबर को कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। सीएम नीतीश के गृह जिले में उपेंद्र कुशवाहा को पहनाया गया स्वर्ण मुकुट। सीएम नीतीश के गृह जिले में उपेंद्र कुशवाहा बीते दिन देखे गए, जहां उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए हुंकार भरी। साथ ही इस दौरान उनका भव्य स्वागत देखने को मिला, जिसके तहत पहले तो कार्यकर्ताओं ने उन्हें सिक्कों से तौला। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने उपेंद्र कुशवाहा को इस दौरान सोने का मुकुट भी भेंट किया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जदयू पूरे बिहार में मजबूत करने के तहत शुरू हुए बिहार दौरे कार्यक्रम के दौरान उपेंद्र कुशवाहा बिहार शरीफ के आशानगर मोहल्ला पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं ने सोने का मुकुट पहनाया और उन्हें सिक्कों से तौला। वहीं इस अभिनंदन से उपेंद्र कुशवाहा भी काफी गदगद दिखे। जदयू ने बिना नाम लिए भाजपा को दी वार्निंग। सूबे में जातिगत जनगणना को लेकर राजनीति जारी है, जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां और सत्ताधारी दल जदयू इसके समर्थन में है और इसे देश भर में लागू करवाना चाह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार भाजपा इससे अपनी दूरी बनाकर रख रही है। इससे बिहार के एनडीए गठबंधन में ही आपसी मतभेद हो गया है। इस बीच जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष गुलाम गौस ने बीजेपी का नाम लिए बिना ही उसे चेता दिया है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना का विरोध करने वाले को कांग्रेस का हश्र देखना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि जब सभी पार्टियां जाति के आधार पर राजनीति करती है तो जातीय जनगणना से परहेज क्यों कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री का पैर छूते नजर आए सिविल सर्जन। बिहार के गोपालगंज के सदर अस्पताल के सिविल सर्जन की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिस पर लोगों के तमाम तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। दरअसल तस्वीरों में गोपालगंज के सिविल सर्जन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आगे नतमस्तक होते दिख रहे हैं। दावे के मुताबिक यह तस्वीर 2 दिन पहले की बताई जा रही है, जब शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सर्किट हाउस पहुंचे थे। उसी दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर योगेंद्र महतो स्वागत में गुलदस्ता थामे खड़े थे और मंत्री से मिलने पर उनके पैर को छूते हुए उनका स्वागत किया। दरअसल यह मुद्दा इसलिए उठ रहा है क्योंकि सिविल सर्जन मंत्री जी से उम्र में काफी बड़े हैं, लेकिन इस तरह पैर छूने वाली घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन रही है। किशनगंज के बीजेपी जिलाध्यक्ष के अंतिम संस्कार में शामिल हुए शाहनवाज हुसैन।
बीते दिन किशनगंज के पूर्व जिलाध्यक्ष और बीजेपी नेता राजेश्वर बैद के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन दिल्ली से किशनगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दिवंगत नेता के परिजनों से मुलाकात की और उनका ढांढस बढ़ाया। बताते चले कि शाहनवाज हुसैन किशनगंज के पूर्व सांसद थे, इस कारण से बीजेपी नेता राजेश्वर बैद से उनके काफी नजदीक के रिश्ते रहे थे। इसलिए बीते दिन उनके आकस्मिक निधन की खबर मिलते ही वे दिल्ली से बागडोगरा होते हुए किशनगंज पहुंच गए। इस बाबत उद्योग मंत्री ने ट्वीट करते हुए अंतिम संस्कार की तस्वीरें भी डाली और कैप्शन में उन्हें बेहद करीबी, पार्टी के प्रति समर्पित, निष्ठावान कार्यकर्ता बताया। महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दी मात। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आखिरी वनडे इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज को क्लीन स्वीप करने से रोक दिया है। टीम इंडिया ने बीते दिन खेले गए सीरीज के अंतिम मैच में 2 विकेट से जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने 265 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे टीम इंडिया ने 49.3 ओवर में ही पूरा कर लिया। इस प्रकार यह मैच भारत ने 2 विकेट से जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम एक समय 25वें ओवर में 4 विकेट पर 87 रन बनाकर संकट में थी, लेकिन एस्ले गार्डनर और पिछले मैच में शतक जड़ने वाली बेथ मुनी के बीच 98 रन की साझेदारी की बदौलत वापसी करने में सफल रही। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार किसान आंदोलन के समर्थन में आयोजित भारत बंद का असर आपके जिले में दिखा या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।